नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बिल्डिंग की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड को शिक्षा का हब बनाने एवं स्कूलों और विद्यालयों के विकास के लिए राज्य सरकार लगातार काम कर रही है। इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए केंद्र सरकार ने उत्तराखंड के समग्र शिक्षा अभियान और स्कूलों के लिए भी 1200 करोड़ रूपये का सालाना प्लान मंजूर कर दिया है। और साथ ही आपको बताते चले कि इस पैसे से प्रदेश में नए स्कूल, नए हॉस्टल्स और नई प्रयोगशालाएं बनाई जाएंगी। वहीं 100 से ज्यादा प्राइमरी स्कूल के लिए इमारतें भी बनाई जाएंगी। कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गरिमा दसौनी का भी कहना है कि बीजेपी की योजनाएं काफी चमकदार होती हैं। बीजेपी की योजनाएं बटी हुई और कुछ और भी है, और धरातल पर भी कुछ और निकल कर आता है। और ऐसे कई लोग लुहावने जो वादे हैं वो भारतीय जनता पार्टी चुनाव से पहले की आकृति है, और अब फिर चुनाव सर पर है तो इसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के वादे भी निकल कर आ रहे हैं। आगे उन्होंने ये भी कहा कि यदि ये योजना धरातल पर उतरती है तो उत्तराखंड में शिक्षा का विकास होता है, तो ये स्वागत योग्य कदम है। देश के अंदर एक बार फिर से किसानों ने आंदोलन की राह पकड़ ली है। आपको बताते चले कि मोदी सरकार पर किसानों ने वादा खिलाफी का आरोप लगाया है, और इससे नाराज देश के अलग अलग राज्यों से किसानों का समूह एकत्र होकर दिल्ली आंदोलन के लिए रवाना हो गया है। हालांकि केंद्र सरकार की तरफ से किसानों को रोकने के लिए तमाम प्रयास तो किए जा रहे हैं, लेकिन देश के अलग अलग कोनों से आई तस्वीरों से यही जाहिर होता है कि किसानों के हौसले और हिम्मत के आगे केंद्र सरकार के प्रयास नाकाम हैं। और किसानों के आंदोलन को समर्थन देने के लिए देश के अलग अलग राज्यों से छोटे छोटे प्रदर्शनों की भी खबरें सामने आ रही, और उसी के चलते काशीपुर में भी किसानों के एक समूह ने एकत्र होकर प्रदर्शन किया है। लगातार किसानों का आंदोलन जारी है। आप तस्वीरें भी देख सकते हैं जहां पर काशीपुर में किसानों का प्रदर्शन भी किया जा रहा है, और साथ ही दिल्ली के लिए किसान जो हैं वो रवाना भी हो चुके हैं, और सरकार पर वादा खिलाफी का भी आरोप लगाया गया है। पंजाब हरियाणा में जो किसान दिल्ली को कूच कर रहे हैं, सरकार का बड़ा ही गलत तरीका है। उन पर आंसू गैस लाठियां भांजी जा रही हैं, यहां तक कि 12 बोर और 15 बोर के भी उनके ऊपर गोलियां दागी जा रही हैं। उसके विरोध में पूरे जिले भर के टोल आज हमने कल मीटिंग कर प्रस्ताव पास किया था वो बंद रहेंगे, जिस विषय को लेकर जसपुर का टोल प्लाजा भी आज बड़ी शांतिपूर्वक ढंग से हमने बंद किया है और अपना विरोध दर्ज करवाया। आगे की रणनीति रहने वाली है? आगे की रणनीति हमारी सिसौली में आज पंचायत चल रही है, जो भी निर्णय आएगा उसके लिए हम तैयार हैं। हमारे ट्रैक्टर ट्रालियां सभी पूरे तरीके से बिल्कुल तैयार खड़े हैं। दिल्ली की तरफ को मुंह है, 6-6 महीने का राशन हमने ट्रैक्टर ट्रालियों में भर रखा है। जो भी आगे की कॉल होगी, तराई का किसान किसी भी कीमत पर ये सरकार की गलत नीति बर्दाश्त नहीं करेगा। दिल्ली जाना पड़े चाहे जहां मर्जी जाना पड़े, हम कूच करने को बिल्कुल तैयार बैठे। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत में जोशीमठ के ज्योतिष पीठ ज्योतिमठ में भी आपको बता दें कि परिसर में 3 दिवसीय एक दंपति पूजन कार्यक्रम का शुरुआत की गई है, और ये कार्यक्रम 18 फरवरी तक आयोजित किया जाएगा। और इसमें पेनखंडा क्षेत्र के 1000 दंपतियों का गुप्त नवरात्रि के अवसर पर पूजन किया जाएगा। यह धार्मिक अनुष्ठान ज्योतिष पीठ में स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी के महाराज के आशीर्वाद और पावन सान्निध्य में आयोजित किया जा रहा है। इस धार्मिक अनुष्ठान में आज पहले दिन दंपति की सविधि पूजा की गई, जिसमें भारी संख्या में अस्तिक जन उपस्थित रहे। देखिए, ज्योतिष पीठ के जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी और मुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा क्षेत्र में सनातन धर्म के उत्थान के लिए अनेक कार्य किए जाते हैं। इसी क्रम में आज यहाँ पर सहस्त्र दंपति पूजन का कार्यक्रम महाराज जी द्वारा घोषित किया गया। इस क्रम में हमें भी ये परम सौभाग्य प्राप्त हुआ कि हम यहाँ पर बधारे और महाराज जी के शिष्य प्रतिनिधि मुकुंदनंद ब्रह्मचारी जी के हाथों से हमारी पूजा संपन्न हुई, और पूज्य महाराज श्री द्वारा क्षेत्र में अनेक सामाजिक कार्य भी किए जाते हैं। उनके द्वारा शीघ्र ही 1-2 वर्षों के भीतर क्षेत्र में 100 बेडों का एक भव्य अस्पताल बनकर तैयार होने वाला है, जिसकी जमीन की रजिस्ट्री महाराज जी द्वारा पूरी हो गई है। और महाराज जी समय समय पर
सभी चारों नवरात्रियों में यहाँ पर कन्या पूजन, बटुक पूजन, सुहासिनी पूजन और दंपति पूजन के रूप में क्षेत्र में सनातन धर्म के उत्थान के लिए कार्य करते रहते हैं। जय विद्वशाला। शंकराचार्य ज्योतिष पीठाधीश्वर स्वामी श्री अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज के सानिध्य में जो ये कार्यक्रम हुआ, सुबह से जो है काफ़ी उत्साह है लोगों में, माताओं में, और दोनों जो है लक्ष्मी नारायण की स्वरूप हैं। अच्छा चल रहा है कार्यक्रम। मैं वातावरण में यहाँ पे लक्ष्मी नारायण जी का पूजन हुआ, स्वयं आदिगुरु शंकराचार्य जी के द्वारा यहाँ पे आदिगुरु शंकराचार्य जी की तपस्थली ज्योतिमठ में यह आयोजन सम्पन्न किया गया और हमें यहाँ पे लक्ष्मी नारायण स्वरूप में हमारी पूजा की गई, जो कि बहुत दिव्यमय हमें लगा और बहुत ही दिव्य आनंद की अनुभूति प्राप्त हो रही है। कि ज्योतिष पीठ के जगत गुरु शंकराचार्य पूज्यपाद स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज श्री की इच्छा रहती है कि हम हर समय सनातन धर्म के उत्थान के कार्य ज्योतिर्मठ की तरफ से किए जाएं। उसी क्रम में वर्ष में पड़ने वाले चारों नवरात्रि में हम लोग यहां पर उत्सव करते हैं, तो वर्ष के आखिरी में जो गुप्त नवरात्रि है जिसको माघ मास की नवरात्रि कही जाती है, इस नवरात्रि में हम लोग शंकराचार्य मठ में दंपति पूजन का आयोजन आज से आरम्भ कर रहे हैं। माघ मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि है आज, और आज से ये पूजन आरंभ होकर के 3 दिवस तक ये पूजन संपन्न की जाएगी। फिलहाल यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता विधेयक को राज्य विधानसभा में पारित कर पुष्कर सिंह धामी सरकार ने देवभूमि उत्तराखंड में इतिहास रच दिया। समान नागरिक संहिता उत्तराखंड 2024 विधेयक को पारित करने की मैं अनुज्ञा चाहता हूँ। विधेयक के पारित होते ही उत्तराखंड बन गया है स्वतंत्र भारत का पहला ऐसा राज्य जिसने संविधान निर्माताओं के समान नागरिक संहिता के लिए देखे गए स्वप्न को धरातल पर उतारने की दिशा में मजबूती से कदम बढ़ाए। 2 साल पहले मुख्यमंत्री धामी ने प्रदेश की जनता से समान नागरिकता संहिता कानून को प्रदेश में लागू करने का जो वादा किया था, उस वादे को पूरा करके प्रदेश सरकार ने अपने संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाकर अपनी वचनबद्धता को बखूबी साबित किया। इस कानून में विवाह, तलाक, गुजारा भत्ता, उत्तराधिकार, गोद लेने जैसे मुद्दों को शामिल किया गया है। यह कानून सबको एक तरह से समानता का कानून है, सबको एक रूपता का कानून है, सबकी एकता का कानून है, सबका समान अधिकार का कानून है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 में सभी नागरिकों के लिए समान कानून लागू करने की बात कही गई है। आने वाले समय में देश के अन्य राज्यों के लिए भी उम्मीद का पत्थर बनेगा। लिया था जो दृढ़ संकल्प, उसे पूरा किया। उत्तराखंड में UCC विधेयक पारित किया। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का, रुक करते हैं खबरों की तरफ। भारत का सबसे खूबसूरत पर्यटक स्थल औली एक बार फिर से पर्यटकों से गुलजार हो चुका है। आपको बता दें कि औली में हर दिन सैकड़ों की तादाद में देश और विदेश के हर कोने कोने से लोग पहुंच रहे पर्यटक, जिस कारण औली आजकल बेहद खूबसूरत भी दिखाई देने लगा है। और साथ ही आपको बता दें कि इस बार बारिश भी बहुत कम हुई है, लेकिन इसके बावजूद भी औली में अभी भी आधा फीट के आसपास बर्फ की चादर देखी जा सकती है, जिसके चलते औली दूर से ही देखने पर जन्नत की तरह नजर आ रहा। वहीं आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि किस तरह से औली पर्यटकों से गुलजार दिखाई दे रहा। पर्यटक औली के साथ साथ गोरसो बुग्याल का भी दीदार करने को मिलता है। आपको बताते चले कि गोरसो बुग्याल में भी अभी भी कई फीट बर्फ की चादर देखी जा सकती है। आप तस्वीरें भी देख सकते हैं जो कि चमोली की हैं, जहां पर बर्फबारी से गुलजार हो चुका है औली, जहां पर पर्यटक भी मस्ती करते हुए नजर आ रहे हैं।
आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी का भी राष्ट्रीय अधिवेशन चल रहा है, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी, संघ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और अन्य वरिष्ठ पदाधिकारी शामिल हुए हैं। इस बात को लेकर पूर्व राज्य मंत्री रविंद्र जुगरान ने भी कहा कि इस अधिवेशन में बीते 10 सालों में केंद्र की मोदी सरकार ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में किए गए वादों को किस बखूबी से भी अंजाम तक पहुंचाया है, उस पर भी चर्चा हो रही है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव के लिए किसी के विशेष सुझाव हो तो उन पर संज्ञान लिया जाएगा। जाना है वहां। देखिए, लोकसभा चुनाव से ठीक पहले ये संयोग बना कि राष्ट्रीय अधिवेशन हो रहा है और राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेशों से, हमारे यहाँ से भी चीफ मिनिस्टर, प्रदेश अध्यक्ष सब लोग गए हुए हैं। तो एक तो पिछले 5 साल का कार्यकाल जो मोदी जी की सरकार का निकला है और समग्रता में देखें तो 10 साल का कार्यकाल। इन 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी की, केंद्र की मोदी सरकार ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में किए गए सभी वादों को किस बखूबी तक अंजाम में पहुंचाया है, तो ये डिस्कशन, चर्चा के रूप में उस अधिवेशन में आना है। और लीडरशिप जो है वो बूथ स्तर तक अपने कार्यकर्ता को और गांव के स्तर तक आम जनता को अपनी 10 साल की जो, हाँ बिल्कुल, आज प्रदेश कार्यालय देहरादून में आपको बता दें कि AICC के वॉर रूम में ट्रेनिंग हेड द्वारा वॉर रूम के चेयरमैन नवीन जोशी की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई है। बैठक में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के वॉर रूम ट्रेनिंग हेड ललित मेघवंशी ने भी आगामी लोकसभा चुनावों को लेकर बूथ स्तर तक पार्टी को मजबूत करने की रणनीति और ढांचे पर जानकारी देते हुए प्रशिक्षण दिया गया। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी ने कई मुद्दे पर जनता के हितों की अनदेखी की है और हमें उस पर कार्य करना है, जनता के मुद्दों को उठाना है। बैठक में वॉर रूम चेयरमैन नवीन जोशी ने संबोधन करते हुए कहा कि प्रदेश में चुनावों को लेकर बूथ जोड़ो भारत जोड़ो मुहिम पर सक्रियता से कार्य किया जा रहा है। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए कांग्रेस पूरे मुस्तैदी के साथ तैयार है और भारतीय जनता पार्टी के जो दुष्प्रचार है उससे निमटने के लिए हमने वॉर रूम यहाँ पे स्थापित किया है। आज सेंट्रल वॉर रूम की एक टीम हमारे यहाँ पे आई थी और जिसमें हमारे पूरे 5 लोकसभा क्षेत्र के जो हमारे डेस्क हेड हैं और जो हमारे कोऑर्डिनेटर हैं उनकी ट्रेनिंग यहाँ पर आयोजित की गई है। सेंट्रल वॉर रूम द्वारा ट्रेनिंग के दौरान जो बताया गया है कि किस प्रकार से हम बीएलए से संपर्क स्थापित करेंगे और किस प्रकार से हमको जो लीड बीएलए है उनसे हम लोगों ने काम लेना है और हम पूरे राज्य भर के अंदर जो 70 हमारी विधानसभा की सीटें हैं उसमें हम कोऑर्डिनेटर बनाने जा रहे हैं जो सीधा बीएलए से और जिला अध्यक्षों से और जो हमारे कैंडिडेट्स होंगे उनसे संपर्क स्थापित करेंगे। ये सारे मुद्दे जो भारतीय जनता पार्टी की जो विफलता राज्य के अंदर और देश के अंदर है वो जनता के बीच में। फिलहाल यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो तो क्या वो घर चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? हमें याद रखना है कि भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने समान अधिकारों के संकल्प की सिद्धि में महत्वपूर्ण कदम बढ़ाकर एक नया इतिहास रच दिया है। आजादी के बाद देश का पहला समान नागरिक संहिता विधेयक उत्तराखंड विधानसभा में पारित हो गया है, जिसके साथ उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पास करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। उत्तराखंड में एक ऐसे काम की शुरुआत हो रही है, एक ऐसा काम आगे बढ़ रहा है जिसकी प्रतीक्षा देश को लंबे समय से थी। इसमें जहां मैं अपने नेतृत्व का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, साथ ही साथ मैं उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का भी मैं दिल से उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूं, उनको प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं।
विधेयक में एक समान सामाजिक नियम लागू करके सभी भेदभाव और कुरीतियां समाप्त करने का प्रावधान है। विधेयक में सभी धर्म समुदायों में विवाह, तलाक, गुजारा भत्ता और विरासत के लिए एक ही कानून का प्रावधान है। समान नागरिक संहिता विधेयक लैंगिक समानता को बढ़ावा देने और सभी नागरिकों के लिए कानूनी प्रक्रिया को सरल और सुलभ बनाने में बेहद महत्वपूर्ण है। हर उत्तराखंड वासी को बराबरी का अधिकार दिलाने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। समान नागरिक, समान अधिकार। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुक करते हैं खबरों की तरफ। दिल्ली में कांग्रेस की, आपको बता दें कि स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई है जिसमें सभी बड़े नेता शामिल हुए हैं। बैठक आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर हुई है और इसमें सभी संभावित प्रत्याशियों के नाम पर भी चर्चा होना तय माना जा रहा है। और बैठक में उत्तराखंड प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा और स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष भगत चरण दास सहित अन्य, आपको बता दें कि प्रदेश अध्यक्ष और नेता भी मौजूद रहे हैं। इसके साथ ही आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। इस दौरान कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री नवीन जोशी ने भी बताया कि 5 लोकसभा सीटों पर जिन प्रत्याशियों ने आवेदन किया है उनके नाम पर पार्टी विचार करेगी। स्क्रीनिंग कमेटी की आज दिल्ली में बैठक है। जो हमारे पीईसी है उसके सदस्य और जो हमारे पार्टी के सीनियर लीडर हैं और स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन हैं वो इस बैठक में उपस्थित होंगे। और जिन लोगों ने उत्तराखंड के 5 लोकसभा क्षेत्रों में अपने अपने क्षेत्र में जिन्होंने आवेदन किए उनके नाम पे वहां पे विचार किया जाएगा। उनका पार्टी के लिए क्या योगदान है और क्या उनकी सीनियरिटी पार्टी के लिए पूरे उसमें पार्टी हाईकमान उसमें चर्चा करेगा। और यहां पे दावेदारी पिछले काफी दिनों से लोग कर रहे हैं और हमारी प्रदेश की प्रभारी कुमारी शैलजा जी भी हमारे उत्तराखंड में आई थी। उन्होंने विधायकों से और जो हमारे पूर्व मंत्री हैं और जो हमारे जिलाध्यक्ष हैं सभी से रायशुमारी करी और उनसे फीडबैक वो लेकर यहां से गई हैं। और मैं समझता हूं निश्चित तौर से जो स्क्रीन कमेटी की यहां पे बैठक चल रही है जो जिताऊ कैंडिडेट्स होंगे उनके नाम पर विचार होगा। और कांग्रेस यहां पूरी मजबूती के साथ राज्य भर में जो भारतीय जनता पार्टी की जनविरोधी नीतियां उसके खिलाफ यहां पर मुहिम चला के रखी हुई है। निश्चित तौर पर यहां पे जो जीतने वाले कैंडिडेट हैं उनके नाम पर पार्टी विचार करेगी। अपनी मांगों को लेकर एक कार्यक्रम के तहत भारी संख्या में किसान काशीपुर के जसपुर रोड के टोल प्लाजा पर पहुंचे और वहां पर 3 घंटे तक जमकर गरजे हैं। इस दौरान तराई किसान संगठन के प्रदेश अध्यक्ष बलविंदर सिंह ने भी कहा कि केंद्र सरकार की तरफ से किसानों पर अत्याचार किया जा रहा जो कि सरासर गलत है। उसके विरोध में हमने टोल प्लाजा पर बंद संकेतिक धरने पर टोल फ्री करने का आह्वान किया है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि सरकार अगर हमारी मांगों को नहीं मानती है तो आंदोलन को धार दी जाएगी। अन्नदाता किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष प्रताप सिंह विर्क ने भी कहा था कि एक समय था जब मोदी खुद मनमोहन सिंह के पास गए थे और कहा था कि किसानों को एमएसपी दीजिए और आज वो खुद प्रधानमंत्री हैं और एमएसपी देने के लिए मना कर रहे हैं। एमएसपी गारंटी कानून स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करना, किसानों की कर्ज मुक्ति समेत लगभग 13 मांगे किसानों की थी जो केंद्र सरकार ने हमसे वादा किया था आज से 2.5 साल पहले। उसी मांगों को पूरा करवाने के लिए पंजाब हरियाणा के किसान दिल्ली कूच के लिए जा रहे थे। शंभू बॉर्डर पर सरकार द्वारा उन्हें रोका गया और उन पे लाठियां बाजी गई, उन पे आंसू गैस के गोले छोड़े गए ड्रोन के द्वारा। जैसे वो हमारे देश के नागरिक नहीं होते किसान, ड्रोन के द्वारा उन पे हमला किया गया। 315 के छर्रे उन पे मारे गए, 12 बोर के छर्रे उन पे मारे गए, लगभग 300 से किसान। देखिए ये जो हमारी एमएसपी की लड़ाई है ये बहुत पुरानी है। 2011 में मोदी जी ही खुद मनमोहन सिंह जी के पास गए थे कि इन किसानों को एमएसपी दीजिए। आज जब खुद प्रधानमंत्री हैं तो एमएसपी देने के लिए मना कर रहे हैं। अगर एमएसपी देना ना देना वो बात की बात है, अगर किसान सड़क पर जा रहा है तो आप उसे बम्बों से मार रहे हैं, डंडों से मार रहे हैं। आप इन्होंने चीन का बॉर्डर बना दिया है शंभू बॉर्डर को, वहाँ किसानों को किस लिए मारा जा रहा है, क्या गुनाह करा उन्होंने? क्या हाईवे पर कोई चल नहीं सकता? अगर किसी ने कुछ करा होता जब था, वहाँ 400 से ज्यादा किसान घायल हैं,
ड्रोन से बम फेंके जा रहे हैं, इसलिए आज हमने एक तरफ सांकेतिक धरना दिया है, यहाँ टोल फ्री करवाए हैं 12 से 3 बजे तक। अगर हमें ऊपर से कॉल आएगी और हम देखेंगे तो हम दिल्ली कूच करने के लिए भी तैयार हैं। हमने पूरी तैयारी, तराई वालों ने तैयारी कर रखी है, सारे संगठन साथ हैं संयुक्त मोर्चा के, और हम जिस दिन भी हमारी कॉल होगी हम सब दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंचेंगे। मैं तराई किसान संगठन प्रदेश अध्यक्ष बलविंदर सिंह उत्तराखंड से, जो सरकार के द्वारा अत्याचार किया जा रहा है वो सरासर गलत है, उसके विरोध में हम आज यहाँ टोल प्लाजा 12 से 3 बजे तक बंद, सांकेतिक धरने को बंद करने का आह्वान किया है, फ्री करा है। और सरकार अगर हमारी बातों को नहीं मानती, हमें एमएसपी की गारंटी नहीं देती है, जो वादे करे थे आज से 2 साल पहले सरकार ने, अगर नहीं करती है तो आज शंभू बॉर्डर पे जैसे पाकिस्तान से लोग आ रहे हों वैसे हमारे किसानों पे ड्रोन के द्वारा बम फेंके गए, बहुत ही निंदनीय है। और हमारी सरकार से यही अपील है, इतना अत्याचार ना करें, और नहीं तो यहाँ का किसान जाग चुका। फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता विधेयक को राज्य विधानसभा में पारित कर पुष्कर सिंह धामी सरकार ने देवभूमि उत्तराखंड में इतिहास रच दिया। समान नागरिक संहिता उत्तराखंड 2024 विधेयक को पारित करने की मैं अनुज्ञा चाहता हूँ। विधेयक के पारित होते ही उत्तराखंड बन गया है स्वतंत्र भारत का पहला ऐसा राज्य जिसने संविधान निर्माताओं के समान नागरिक संहिता के लिए देखे गए स्वप्न को धरातल पर उतारने की दिशा में मजबूती से कदम बढ़ाए। 2 साल पहले मुख्यमंत्री धामी ने प्रदेश की जनता से समान नागरिकता संहिता कानून को प्रदेश में लागू करने का जो वादा किया था, उस वादे को पूरा करके प्रदेश सरकार ने अपने संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाकर अपनी वचनबद्धता को बखूबी साबित किया। इस कानून में विवाह, तलाक, गुजारा भत्ता, उत्तराधिकार, गोद लेने जैसे मुद्दों को शामिल किया गया है। यह कानून सबको एक तरह से समानता का कानून है, सबको एक रूपता का कानून है, सबकी एकता का कानून है, सबका समान अधिकार का कानून है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 में सभी नागरिकों के लिए समान कानून लागू करने की बात कही गई है। आने वाले समय में देश के अन्य राज्यों के लिए भी उम्मीद का पत्थर बनेगा। लिया था जो दृढ़ संकल्प, उसे पूरा किया, उत्तराखंड में यूसीसी विधेयक पारित किया। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का, रुक करते हैं खबरों की तरफ। अल्मोड़ा जनपद के विकासखंड द्वारहाट के मदन मोहन उपाध्याय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में मतदाता जागरूकता अभियान के अंतर्गत चुनाव का पर्व देश का पर्व कार्यक्रम में चुनाव पाठशाला का आयोजन किया गया। इस दौरान प्राचार्य धन सिंह कुंवर ने आपको बता दी कि छात्र छात्राओं को मतदाता शपथ ग्रहण कराई। इसके बाद में स्वीप के नोडल अधिकारी डॉक्टर प्रमोद कुमार के नेतृत्व में महाविद्यालय परिसर से राजकीय जूनियर हाईस्कूल छतीना खाल तक मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।